हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आज पोहा बना रही हूँ, तो मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारा सामान मैंने रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं पोहे को रोस्ट करूँगी। इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। इनको मैंने रोस्ट कर लिया। अब मैं साइड पे रख देती हूँ बाउल में। अब मैंने पीनट्स को भी रोस्ट करना है। इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगी, ज्यादा नहीं करना। मैंने ये अच्छे से क्रंची हो गए। अब मैं इनको बाउल में निकाल दूंगी। कढ़ाई रख दी मैंने। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। पहले मैं तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा जीरा इसमें मैंने डाल दिया, लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2, मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, प्याज भी डाल रही हूँ इसमें। टेस्ट अनुसार मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करना है। अब मैंने इसमें मटर ऐड करने हैं। अब मैं गाजर भी ऐड कर रही हूँ। मटर और गाजर को मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसको मैंने 8 से 10 मिनट तक पकाना है। तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप इसमें घी भी डाल सकते हो। गर्म हो गया अच्छे से। मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और साथ में पीनट्स भी डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए। अब मैं इनको बाउल में डाल दूंगी गैस को ऑफ करके। वेजिटेबल्स मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए। अब मैं पोहे को डाल रही हूँ। साथ में ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। रेडी हो गया। ये काफ़ी टेस्टी बनता है, आप भी ट्राई कर लेना। अब मैं बाउल में सर्व कर दूंगी। अगर आपको पोहे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। बाय बाय, थैंक यू।